आज हमने देखना है कि जो विजुलाइजेशन हम करते हैं पाइथन के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, वो किस लाइब्रेरी के थ्रू हम कर सकते हैं। उससे पहले हमने अभी तक ये देखा है कि पाइथन का जो जनरल सिंटेक्स है वो क्या होता है, हमने बेसिक काम करने हैं पाइथन में वो कैसे करता है। फिर हमने ये देखा कि डेटा एनालिसिस हमने हल्का फुल्का सा करना हो, कोई हमारे पास डेटा सेट हो तो उसको हम पांडास के थ्रू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पांडास ही यूज करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, और किसी लाइब्रेरी की हमें जरूरत नहीं पड़ती अनलेस और अंटिल हमने कोई और काम करना हो। मैंने वैसे नंपाई पर आज टाइम लगाना था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी 2 दिन से हम सिर्फ और सिर्फ कोड लिख रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा तस्वीर वगैरह नहीं आ रही, तो आज हम विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी रिपोर्टिंग की। जैसे अगर आपको एक तस्वीर दिखा दी जाए और एक चीज़ आपको लिखी हुई दिखा दी जाए, तो साइंटिफिक स्टडी से ये पता चलता है जो देखी हुई चीज़ होती है वो ज़्यादा देर तक हमें याद रहती है एज कम्पेयर टू जो हम पढ़ते हैं, लिखी हुई चीज़ होती है। और वो जो लिखी हुई चीज़ है उसको हम किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास कौन से तरीके। तो जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं दो, वो है मैटप्लॉटलिब और दूसरी है सीबॉर्न। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बेसिक हैं, जो सबसे ज़्यादा आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं, वो ये दोनों। अब जो मैटप्लॉटलिब है वो 2003 में मेरे ख्याल से उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और ये इतनी पुरानी 2003 में आई थी पहली दफ़ा। इसीलिए सीबॉर्न जो बाद में आई थी, सीबॉर्न का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बना हुआ है। सीबॉर्न को क्यों बनाया था, उसके पीछे वजह यह है कि मैटप्लॉटलिब जब बनाई थी तो इसके अंदर कोड जो है, जो बेसिक हमने कोड लिखने हैं स्टैटिक ग्राफ बनाने हैं, यानी कि वो ग्राफ जो हिलते नहीं है, यानी कि उनमें सिर्फ तस्वीर नजर आती है पड़ी हुई, कोई स्कैटर प्लॉट हो गया या लाइन प्लॉट हो गया, वो हमें डायनामिकली मूव होता हुआ नजर नहीं आता, तो हम उसके लिए मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसी को हमने थोड़ा सा डायनामिक बनाना है, एनिमेटेड ग्राफ की तरफ जाना है कि हम होवर करें तो हमें इंफॉर्मेशन शो होनी शुरू हो जाए, तो उन चीजों के लिए भी हम अगली लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। इसमें सीबोन एक है, तो आगे हमारे पास आ जाता है एक बुके है, एक प्लॉटली है। कर हम मैटप्लॉटलिब के अंदर भी सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फिर हमें लंबी लाइंस लिखनी पड़ेंगी कोड की। लेकिन अगर वही काम सीबॉर्न के अंदर करें तो हमें छोटी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर उसको सम अप किया हुआ है, जो सीबॉर्न के अंदर फंक्शंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल किस तरह करना है। इंस्टॉल हमने लास्ट टाइम कर लिया था, अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो ये पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न से इसको इंस्टॉल कर ले। और इसको जब हमने लोड करना है तो हमने ये करना है कि इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, और इम्पोर्ट हमने सी बोन को करना है एज SNS। आप लोगों ने अगर ये वाला काम किया हुआ है तो आप मुझे थम्स अप का दे दो रिएक्शन, अगर नहीं किया हुआ तो अभी कर लो और मुझे बताओगे क्या सीन है। ओके, सबने किया हुआ, दैट्स गुड। अब हम यहां से अपना काम पे शुरू करते हैं। सबसे जो बेसिक प्लॉट होता है कोई भी कहीं पर भी हम देखें, तो मेरे ख्याल से सबसे बेसिक प्लॉट है वो लाइन प्लॉट होता है। तो हम इस तरह करते हैं, पहले मैटप्लॉटलिब में से कुछ ग्राफ देखते हैं, फिर सीबॉर्न के ऊपर चलते हैं। तो लाइन प्लॉट इन मैट प्लॉट लिब, सबसे पहले हम कोई डेटा, जाहिर सी बात है हमने कोई ग्राफ बनाना है तो हमारे पास कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, पहले रैंडम डेटा खुद से बनाते हैं, बाद में देखेंगे कि डेटा फाइल में से किस तरह रीड करके हमने ग्राफ बनाना है। अच्छा जी,
है मैंने कोई रैंडम से दो डेटा सेट बनाना है, जब एक्स और वाई दो बना लिए उसकी वैल्यूज, ये मैंने लिस्ट बनाई है, एक्स की लिस्ट में 1 से 5 तक गिनती पड़ी हुई और वाई की लिस्ट के अंदर रैंडम गिनतियाँ, गिनतियाँ तो नहीं, रैंडम हमने रख लिए हैं नंबर्स। अब हमने इसको प्लॉट करना है, लाइन प्लॉट को। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लॉटिंग द लाइन, प्लॉट उसकी क्या होती है कमांड, उसकी कमांड क्योंकि हमने मैटप्लॉटलिब को PLT से शो किया हुआ है, PLT से बुलाना है हमने उसको, उसका एलियस PLT है, तो PLT. आगे हम लिख देंगे सिंपल प्लॉट। उस प्लॉट के अंदर हम उसका डेटा डाल देंगे जिस जो हमने बनाना है, एक्स यानी कि शुरू में एक्स एक्सिस पे एक्स वाला डेटा शो हो जाए और वाई एक्सिस पे वाई वाला डेटा शो हो जाए। इसको हम यहाँ पर जब हमने लिख लिया, अब हम इसको कंट्रोल और एंटर करके हमने देखा तो हमारे पास इस तरह का डेटा शो हो गया। अब ये डेटा जो है फिलहाल हमारे पास रैंडम था, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हो, लीनियर लाइन भी बन सकती थी ये, लेकिन डेटा लीनियर नहीं था, तो ये हमारे पास इस तरह के कोई पहाड़ जैसा कोई डेटा हमारे पास था तो वो बन गया। अब ये जो है ना वो बेसिक लाइन है, जब हमने प्लॉट बनाना तो PLT.plot लिखा और हमारे पास लाइन प्लॉट आ गया। अब यूजुअली जब हम प्लॉट बनाते हैं तो हम इस तरह नहीं बनाते, हम उसके अंदर थोड़ी सी रिफाइनमेंट करते हैं। रिफाइनमेंट किस तरह करते हैं, कि रिफाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि हम इसी को कॉपी करके आगे रिफाइन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए दोनों का साइड बाय साइड के क्या क्या चीजें हमने की हैं। रिफाइनिंग द इनिशियल प्लॉट, वही डेटा मैंने उठा लिया। अब यहाँ पर जो हमने प्लॉट करना है तो उसके नीचे हम कर देते हैं टाइटल दे देते हैं एक, तो टाइटल से मुराद है कि इस ग्राफ के ऊपर शो हो जाए, ये क्योंकि सादा सा ग्राफ है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सादा सा लाइन प्लॉट और PLT.xLabel, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम कुछ शो कराना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स एक्सिस पे लिख देते हैं, एक्स एक्सिस लिख देते हैं फिलहाल तो, और वाई एक्सिस पे हम वाई लेबल वाई एक्सिस। मैंने अब इसके अंदर ये तीन चीज ऐड किया, टाइटल ऐड कर दिया, एक्स लेबल ऐड कर दिया और वाई लेबल ऐड कर दिया। अब एक और चीज हमने ऐड करनी होती है, वो ये है कि जब हमने प्लॉट बनाना है तो उसके ऊपर ये चीज आ रही है Line2D ऐड कोई नंबर दिया हुआ है, तो यूजुअली जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हम नीचे PLT.show(b) लिखते हैं, उससे क्या होता है इसकी क्या वजह है, पहले हम इसको रन करते हैं फिर देखते हैं कि उससे होता है क्या। PLT.show जो है वो हमें रिफाइन करके एक आउटपुट दे देता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा होता, जो ये लिखा आ रहा था। यूजुअली जुपिटर नोटबुक में इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम .ty स्क्रिप्ट लिखते हैं यानी कि पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो हमें ये PLT.show लिखना पड़ता है ताकि हमारा जो ग्राफ है वो शो हो जाए स्क्रिप्ट के रन होते हुए। स्क्रिप्ट रन नहीं हो, अगर हम PLT.show नहीं लिखेंगे तो हमारे ग्राफ जो है वो सही से डिस्प्ले नहीं होगा। ये वाली जो लाइन हमने लिखी थी टाइटल, ये टाइटल ऊपर आ गया, ये सादा सा लाइन प्लॉट यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस लिखा था तो ये नीचे आ गया और वाई एक्सिस पर ये आ गया। तो इस तरह हम इसके अंदर थोड़ी सी रिफाइनमेंट कर सकते हैं, मजीद भी इसको रिफाइन कर सकते हैं, मजीद रिफाइनमेंट हम करते हैं इसकी, मजीद रिफाइनमेंट। अच्छा यहां तक समझ में आ गया सबको, ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी बहुत ही आसान सा सिंटेक्स हो रहा है, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस, ग्रेट ओके। मजीद रिफाइनमेंट में अब हम ये करते हैं इसके अंदर, अब ये सारा ऊपर से कॉपी करते हैं फिर नीचे लिखते हैं, रिफाइनमेंट जो होती है ना वो इस जगह पर होगी। अब ये वाली जो जगह है ना ये आपकी मेन जगह है हमेशा, यहाँ पर आपने 1000 चीजें ऐड करनी है तो यहाँ पे 1000 चीजें ऐड हो जाती है। अब मैंने इसके आगे कॉमा डाला है तो ये मुझे यहाँ पर ये बता देगा कि इसका कलर चेंज हमने करना हो, अब किसी को ये ब्लू कलर नहीं पसंद आ रहा, कलर तब्दील करना है मैंने, तो कलर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेटर हम ग्रीन लिख देते हैं, मुझे
लेट्स सी, क्योंकि कलर के नाम अक्सर का हर कलर यहाँ अवेलेबल नहीं होता, तो हमें गूगल करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या लेबल है. सो अच्छा ये ग्रीन हो गया. अब ये हमने कलर देख लिया. आप हो सकता है आप यहाँ पे पर्पल लिखो, मेरून लिखो, सारे कलर ना आए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कुछ कलर लिखे होते हैं, वो आप गूगल जाके कर सकते हो कि कौन सा कलर मैटप्लॉटलिब के अंदर हम लिख सकते हैं. वैसे आप अपनी मर्जी टेस्ट कर सकते हो. यहाँ पे पर्पल लिख के देखते हैं. आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. अच्छा पर्पल भी आ गए. अब एक और चीज भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसका जो लाइन का स्टाइल है वो तब्दील करा सकते हैं. ये लाइन का स्टाइल पूरी एक लाइन आ रही है, तो अगर मुझे लाइन डैश में चाहिए, लाइन स्टाइल ही कहते हैं उसको आई गेस, स्टाइल डैश्ड लाइन चाहिए, तो हम इसको दो डैश लगा के चेक करते हैं. तो ये डैश में लाइन आ गई. अब मजीद इसके अंदर और भी चीज़ें हम कर सकते हैं. अब मैं इसके अंदर लेबल लिखना चाहूंगी कि मुझे ग्राफ में क्या शो हो रहा है. आजकल गर्मी ऊपर नीचे हो रही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, तो हम यहाँ पे गर्मी लिख लेते हैं. गर्मी शो नहीं हुआ. अच्छा ठीक है, लेजेंड तो मैंने नीचे लिखा ही है. TLT.legend हमें नीचे ऐड करना पड़ेगा कि हम ग्राफ के अंदर लिखना चाहते हैं कुछ. तो ये है हमारे पास आ गया. अगर ये जो लेजेंड है ना, वो तब ज्यादा इस्तेमाल में आता है जब ग्राफ में मल्टीपल लाइनें होती हैं. अक्सर कहा था, हमने रिसर्च पेपर में ऐसा देखा होगा कि मल्टीपल्स लाइन होती हैं, और फिर उन्होंने बताया था कि डैश वाली लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कलर कोडेड होता है अक्सर, कि नीली वाली लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पीली वाली उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो साइड पर लेजेंड्स उसको हम मैटप्लॉटलिब में लेजेंड के नाम से शो करते हैं. तो ये इस तरह कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कलर ऐड करके देखा, लाइन स्टाइल ऐड करके देखा, लेबल ऐड कर दिया, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो अब आपने खुद ट्राई करना है. हम सारे करने बैठ जाएंगे तो सारा टाइम इसी पर लग जाएगा. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सिंपल सा प्लॉट जो है मैटप्लॉटलिब में, वो हम किस तरह बना सकते हैं. वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर किस तरह तब्दील कर सकते हैं. तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्कैटर प्लॉट की तरफ. इससे पहले हम स्कैटर प्लॉट की तरफ जाएं, कोई सवाल है तो पूछ लो, इसके अंदर कोई परेशानी हो तो अभी पूछ लो आप लोग. नहीं है गुड. स्कैटर प्लॉट इन मै प्लॉट लिप. हम डेटा अभी के लिए सेम रख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए. आई विल ट्राई कि मैं डेटा एक ही जैसा रखूं. जहां पर जरूरत पड़ती है तब वहां पर हम डेटा तब्दील कर लेंगे. अच्छा एक्स और वाई ऊपर डिफाइन हुआ, वैसे मैंने एक्स और वाई डिफाइन दोबारा यहाँ पर नहीं करना. हम यहाँ पर करते हैं स्कैटर प्लॉट PLT. स्कैटर, और इसके अंदर हम लिखते हैं x, y. इसको प्लॉट करके देखता हूँ. ये स्कैटर प्लॉट बन गया. वही वाली बात है कि ऊपर आपने रिफाइन करना है, तो नीचे ये आ रहा है ना ऊपर, matplotlib.collection path collection is this. इसको खत्म करने के लिए PLT.show कर देते हो, वो फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एक पैक हमें नजर आता है आराम से. और इसमें भी हम स्कैटर प्लॉट के अंदर भी कलर चेंज कर सकते हैं. इसमें स्कैटर प्लॉट में जब हमने लिखना है ना, तो कलर लिख के देखते हैं ऊपर की तरफ. कलर इसको हम करते हैं रेड, और इसके अंदर क्योंकि ये डॉट्स हैं, इसको कहते हैं मार्कर. इसका मार्कर का साइन हम रख देते हैं, लेट्स से 3 रख के देखते हैं. 3 शो होता है, आई डोंट नो. ये 3 की जगह पता नहीं 3 है कि क्या, आई डोंट नो, कुछ है जो भी है. या 3 उन्होंने कुछ और कोड किया हुआ है. यहाँ पर हम डॉलर के साइन बना के देख लेते हैं. ये एरर देगा शायद, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मार्कर बाय डिफॉल्ट उन्होंने रखा हुआ है कि नहीं. हाँ उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि डॉलर के साइन क्या है. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मार्कर हम कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते, तो ये भी आपको, ये मैटप्लॉटलिब की डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर अभी हम जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा. एक्स मैंने लिखा है तो एक्स हो गया.
और यहाँ पर भी हम इस तरह करते हैं कि इसका लेबल और वाई लेबल और टाइटल वो सेम ही होगा, PLT डॉट टाइटल उसके अंदर लिख लिया हमने एक्स का स्कैटर प्लॉट, फिर हमने PLT डॉट एक्स लेबल लिखना है, वहां पे हम लिख लेते हैं यहाँ एक्स की वैल्यू है, और PLT डॉट वाई लेबल में यहाँ वाई की वैल्यू, तो ये हमने इस तरह कर लिया काम। तो स्कैटर प्लॉट, और हमने अभी देख लिया कि लाइन प्लॉट जो है वो किस तरह बनाते हैं। अब जब PLT लिखोगे, PLT डॉट लिखोगे, तो आगे जितने भी प्लॉट होंगे वो सारे आपको नजर आ देंगे। बार प्लॉट है, बॉक्स है, बॉक्स प्लॉट है, और कंटूर प्लॉट भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल पर। आई विल शेयर माई स्क्रीन, यहाँ पे हम लिखेंगे मैट प्लॉट लिब, और यहाँ पर मैट प्लॉट लिब विजुअलाइजेशन विद पाइथन आ जाएगा, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। वैसे मैंने नीचे डॉक्यूमेंटेशन और एग्जांपल्स में जाना जाना है, लेकिन जो आपको पहला पेज है ना उसके ऊपर आपको इसकी मिल जाएगी कि ये मैट प्लॉट लिब का मेन मकसद क्या है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर स्टैटिक प्लॉट्स, यानी कि जिस जो अभी हम ग्राफ बना रहे हैं जो हिल नहीं रहे और जो चेंज नहीं हो रहे डेटा के साथ। एनिमेटेड इन्होंने लिखा तो हुआ है, लेकिन एनिमेटेड ग्राफ बनाना इज द हेडेक इन मैट प्लॉट लिब आई वुड से। लिखा है लेकिन इंतहाई शदीद किस्म की इसमें लाइनें होती हैं, तो अगर आपने एनिमेटेड ग्राफ बनाना तो मैट प्लॉट लिब इज नॉट अ ग्रेट चॉइस। इसके लिए आपको सी बॉन्ड या फिर प्लॉटली या बुके पर जाना पड़ेगा। इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको एक अलग से लाइब्रेरी आई वुड रिकमेंड, लेकिन अगर आपने बेसिक बनाने हैं तो मैट प्लॉट लिब से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। अब आपने जाना है यहाँ पर आ रहा है प्लॉट टाइप्स कौन सी हैं, यूजर गाइड है, ट्यूटोरियल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, और बाकी चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब हम एग्जांपल्स पे चले जाते हैं। एग्जांपल्स पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास नीचे मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि ये वाला प्लॉट बन सकता है, ये वाला प्लॉट बन सकता है, और यहाँ पर टाइप्स आ रही हैं कि लाइन, बार और मार्कर्स। अगर हमने इसमें से कोई बार कलर डेमो इस पर चले जाते हैं, अभी हमने बार जैसे कोड तो नहीं बनाया। यहाँ पर बार हमने चार्ट बनाना है, तो उसका नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उन्हें डेटा लिया है फ्रूट्स का कि एप्पल, ब्लूबेरी और काउंट्स कितने हैं, और ये सब उनने फिर उसका बार ग्राफ बनाया। अगर हम यूज प्लॉट टाइप्स पर चले जाते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि पेयर वाइज डेटा हमारे पास अगर है तो प्लॉट एक्स वाई जो भी हम देख रहे थे लाइन प्लॉट वो किस तरह बनाना है, स्कैटर प्लॉट किस तरह बनाना है। अच्छा, यहाँ पर हमने नम पाई को यूज करके रैंडम डेटा जनरेट किया हमने, तो क्योंकि छोटा सा डेटा जनरेट किया खुद से, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अगर हमें ज्यादा रैंडम डेटा जनरेट करना हो तो वो हम नम पाई के थ्रू जनरेट कराता है, तो उन्होंने इस तरह की यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। तो आप लोग मैट प्लॉट लिब को जाके जरूर देखना, एग्जाम्पल उसकी जो पढ़ी हुई है उसको जाके, या आपको ग्राफ अच्छा लगता है उसके ऊपर चले जाओ सिंपली। लेट्स से मैंने ये उठाया और ये देखा कि इसका डेटा किस किस्म का लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लो और अपने किसी डेटा के ऊपर इसको लगा के देखो, तो यहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। अब हम वापस चले जाते हैं अपनी इसके ऊपर, तो हमने ये देख लिया कि किस किस किस्म के वहां पर प्लॉट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अगर हमने मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हैं तो वो हम किस तरह बना सकते हैं। मल्टीपल प्लॉट से मुराद ये है कि अक्सर औकात हमें एक ही जगह पर मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स दिखाने होते हैं, तो वो हम किस तरह बनाएंगे।
फिलहाल हम मैटप्लॉटलिब को यूज कर रहे हैं। इस तरह करते हैं कि एक लाइन प्लॉट जो मैंने ऊपर बनाया उसको, ये वाला जो स्कैटर प्लॉट है और ये वाला जो लाइन प्लॉट है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। PLT.subplot, subplot से मुराद है कि अब मैंने एक ही जगह पर दो प्लॉट शो कराने, उस दो प्लॉट्स की फिर मुझे बताना पड़ेगा कि उनको मैंने रो वाइज अरेंज कराना है या कॉलम वाइज अरेंज कराना। अभी हम उसको इस तरह करते हैं कि वो हमारे पास, इसका मतलब है कि दो रोज बन जाए, यानी कि साइड बाय साइड आ जाए, यानी कि एक इधर और एक इधर। जिस तरह हमारी स्क्रीन है ना कंप्यूटर की, वो रेक्टेंगुलर होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से हमारी रेक्टेंगुलर में दो रोज एक कॉलम हो। और अभी हम पहले कोड के बारे में बात करने लगे, तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, इसका मतलब है कि दो रोज है, एक कॉलम है, और अभी हम फर्स्ट प्लॉट बताने लगे हैं उसको। फर्स्ट प्लॉट कौन सा बनाना है जी? हम कहते हैं कि फर्स्ट प्लॉट हमें बना दो लाइन प्लॉट का, एक्स और वाई के दरमियान में बना दो, और इसको हमें टाइटल दे देना है। टाइटल इसको हम कह देते हैं कि पहला प्लॉट। फिर हम चले गए PLT.subplot। अब ये क्या, वही वाली बात है, दो रोज हैं एक कॉलम है, अब हम दूसरे प्लॉट के बारे में बात करने लगे। तो प्लॉट से मुराद है ग्राफ के बारे में, प्लॉट वो नहीं है समझने के, हम प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ग्राफ लिखना चाहिए, ग्राफ और ग्राफ, दूसरा हमें ग्राफ बनाना, स्कैटर PLT.scatter एक्स और वाई PLT. इसमें आप अपनी मर्जी से टाइटल सब ऐड कर सकते हैं, मैंने बस इसको छोटा करने के लिए एक्स और वाई लेबल यहाँ पर ऐड नहीं किया। दूसरा प्लॉट, दूसरा प्लॉट पे। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं अभी क्या बनता है। ये क्या बात है, मैंने कहा था दो रोज बन जाए, ये तो एक ही रो बन गई है। नहीं, दो रोज ही बनी है। यस आई वॉज राइट, बट आई डिडेंट वॉन्ट दैट। खैर, अब बन गया, तो हम इसको जो दूसरा वाला थे हम दोबारा बना के देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है, ये क्या ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने की नियम क्या करते हैं, जब आपका ग्राफ ओवरलैप करो, हमें नहीं पता होता कि ओवरलैप करना है कि नहीं करना, उसके लिए हम करते हैं PLT.tight layout, वो हम लगा देते हैं ताकि ओवरलैप ना हो। दूसरा हमने PLT.show नहीं लिखा था, वो भी लिखना है, वो लिखा। टाइट लेआउट से क्या हो गया कि ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है। और शोज हमें क्या हो गया, पूरा पैक हमें मिल गया। अब इसके अंदर हम एक और काम भी कर सकते हैं, अगर हमें साइज पसंद नहीं आ रहा कि साइज इसका छोटा है कि बड़ा है, तो फिगर का हम कैनवस का साइज शुरू में डिफाइन कर ले। जिस तरह हम पेंटिंग करते हुए कैनवस खरीदते हैं कि कैनवस का साइज कितना है, उसी तरीके से हम फिगर का साइज भी बता सकते हैं। फिग साइज PLT.figure, आगे हम कहेंगे कि फिगर का साइज, फिगर के साइज में हम पहले लिखते हैं ऑब्वियसली हाइट ही है उसकी। हाइट हम कर देते हैं, लेट्स से 10 हमें सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 4 में हमें विड्थ चाहिए। तो ये इस तरह का हो गया, वैसे इतना खूबसूरत तो नहीं लग रहा, बट इस तरह हम यहाँ पर हाइट कैनवस की कैनवस का साइज बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर काम कर दिए हैं। अब वो जो मैंने बात की थी ना कि एक एक ही हमारे पास रो और दो कॉलम हो, इसी को हम कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करके ना इसकी लेआउट तब्दील करके देखता हूँ। यहाँ पर दो की बजाय एक लिखते हैं, यहाँ पर दो लिखते हैं,
एक और दो, तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। उसने खुद ही उसको तब्दील कर दिया और इस तरह की ग्राफ आ गया। तो आपने खुद देखना है कि मुझे ग्राफ इस डायरेक्शन में चाहिए या मुझे ग्राफ इस डायरेक्शन में चाहिए, तो आप ये वाला काम कर सकते हो। यहां तक सब ठीक चल रहा है, कोई मसला परेशानी तो नहीं है? ये ऊपर वाले में एक कॉलम था और कॉलम दो था, रोज थी। दो रोज, ऊपर वाले में दो रोज थी और एक कॉलम था, बिल्कुल जैसे ये है ना, एक रो ये है, एक रो ये है, कॉलम एक ही है। ओके, इसमें क्या हो गया, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक ही रो है, तो ये वाला सीन है। आप इसके ना 3 4 5 6 10 12 जितने भी करने हैं कर सकते हो, बट आपको पहले ऊपर लेआउट बतानी पड़ेगी कि मुझे इस तरह की लेआउट चाहिए। तो इस तरह हम कर सकते हैं, और इसके अंदर कलर तब्दील करने हैं, टाइटल लगाने हैं, जो मर्जी करो आप लोग। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि हमने किस तरह करना है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है, नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं आपको बार प्लॉट का बता दूंगी, कि बार प्लॉट भी बहुत अहम है, बार प्लॉट इन मैट। बाकी आपने क्या करना है, आपने वो जो मैट प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन है, पहले तो आपने खुद से ट्राई करने हैं कुछ ग्राफ, और फिर वहां से जाके देखने हैं कि वो ग्राफ किस तरह बने हुए हैं, कोई डेटा उठाकर उसके ऊपर आप लोग कर सकते हो। अभी उन्होंने बार प्लॉट बनाया था क्या कहते हैं उसको, फ्रूट्स पर, यानी खाना ही था। हम भी बार प्लॉट बनाते हैं, लेकिन अब हम करते हैं कुछ दिलचस्प, खाने कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली रात के खाने का टाइम हो रहा है। तो आलू गोभी, चलो चलो, हर एक बंदा अपना फेवरेट खाना बता दे, मैंने आलू गोभी लिख दी है। चलो, और धनिया आप बताओ, खाना अपना फेवरेट है। पास्ता पास्ता पास्ता, हाँ जी, मैं मुना पिज़्ज़ा। पिज्जा हो गया आगे। राजिया, सारे इटालियन तो नहीं भिंडी है? भिंडी, जी। क्या बात है, आई लाइक भिंडी। चलो भाई, दो तो यहाँ पे पंजाबी हैं, दो इटालियन लोग हैं। अब हम चार गए हैं होटल में और हमने ऑर्डर देना है, मेरी आलू गोभी है, दाना का पास्ता है, मेमोना का पिज्जा है, और राजिया का भिंडी है। दाद, हमने रोटी तो मंगवाई नहीं, खैर कोई बात नहीं, वो हम घर से लेकर आए हुए थे। अच्छा जी, आलू गोभी की 2 प्लेटें खानी है मैंने। पास्ता, जैसे दाने को पसंद है, हम 14 प्लेटें पास्ता की कर लेते हैं। पिज्जा, मेमूना की सेहत देखकर, कि मेमूना इस वक्त बहुत ज्यादा बुखार में है, तो हम उनको कहते हैं कि एक ही पिज्जा लें, दो ज्यादा नहीं खाने। और भिंडी की हम कर लेते हैं 5 प्लेटें, क्योंकि राजा को बहुत पसंद है। ठीक है, राधे कम तो नहीं मंगवाई, हो जाएगा गुजारा। हो जाएगा। गुड, क्रिएटिंग अ बार प्लॉट, plt.bar, खाने और तादाद। एडिंग टाइटल एंड लेबल्स, PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल पर हमने लिखना है खाने, PLT डॉट वाई लेबल पर हमने लिखना है नंबर ऑफ प्लेट्स, PLT डॉट टाइटल रात का खाना, चलो उसको रन करके देखता हूँ। एक चीज मैंने छोड़ दी है, वह plt.show। तो ये हो गया हमारे पास इस वक्त बार ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह हम बना सकते हैं बार ग्राफ को मैट प्लॉट लिब के अंदर। बार प्लॉट जो है ना, यूजुअली मुझे पर्सनली मैटप्लॉटलिब का नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ही बोरिंग सा है।
एक ही कलर दे देता है ये हर एक पर। अगर मैं यहाँ पे कलर तब्दील भी करना चाहूँ तो वो हर एक का एक ही कलर हो जाएगा। मुझे बार प्लॉट सी बोर्ड का ज्यादा पसंद है, तो हम इस तरह करते हैं, बार प्लॉट सी बोर्ड में बनाकर देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सी बोर्ड का, सी बोर्ड बार प्लॉट। अच्छा जी, उसका क्या होता है? SNS डॉट बार प्लॉट, क्योंकि हमने सी बॉन्ड को SNS से शो किया था। एक्स पर हम कर रहे हैं खाने, वाई पे हम कर देते हैं। इसका थोड़ा सा सिंटेक्स मुख्तलिफ है। वहां पर मैटप्लॉट लिख में हमने एक्स और वाई डिफाइन खुद से नहीं करना पड़ा, हमने बस लिख दिया कि शुरू में ये है, बाद में ये है। सी बॉन्ड पर कभी कभी इसमें काम चलता है, लेकिन सीबोर्ड में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। वाई में हमारे पास तादाद है, तादाद की स्पेलिंग ठीक है, TADAD। तो लेट्स सी, मसला कर रहा है खाने के ऊपर, बनता कि नहीं बनता। यू कैन नॉट इंटरप्रेट इनपुट खाने। अच्छा, उसको हमें डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ता है कि डेटा ये है। लेट्स गो विद द टिप्स डेटा सेट। उसमें खाने के बजाय रात का खाना नहीं आना था जो ऊपर हमने डिफाइन किया था? वो रात का खाना हमारा टाइटल था, खाना हमारा ये था। ठीक। अच्छा, सी बोर्ड से डेटा सेट हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसके पीछे वजह यही है कि सी बोर्ड ने आपको एग्जांपल्स दी हुई है अपने डेटा की, और बे वहां पर आई थिंक सो कोई 20 से 25 के करीब डेटा सेट है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी प्लॉट की एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट पे शो की हुई है, इसलिए वहां पर उन्होंने डेटा रखा हुआ है अपनी वेबसाइट पर। और जब हमने शुरू शुरू में काम करते हैं पाइथन के ऊपर, तो हम वहीं से डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। वहां पर टिप्स का डेटा सेट है, टाइटेनी का डेटा सेट है, एक्सरसाइज का है, टैक्सी का है, फ्लाइट का है, और बहुत सारे डेटा सेट वहां पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। कैसे पता चलेगा? गूगल करोगे, गूगल पर जाकर लिखोगे कि गिट सी बोन डेटा सेट, तो गिटहब का एक लिंक आ जाएगा ऊपर, वहां पर सारे डेटा सेट पड़े हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अगर नहीं मिलेगा तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आपको खुद सर्च करना चाहिए ये वाली चीज, मैंने पहले भी बताया हुआ एक दफा। अच्छा, टिप का डेटा सेट पहले देख लेते हैं। टिप डॉट हेड के टिप्स में कौन कौन से वेरिएबल है? टिप्स के अंदर हमारे पास है कि टोटल बिल, होटल का डेटा है कि टोटल बिल कितना हुआ, उसमें टिप कितनी मिली, सेक्स हमारे पास कौन सा है, स्मोकर है या नहीं, डे कौन सा था, टाइम कौन सा था, और साइज ऑफ द टेबल क्या है कि 2 लोग आए हैं, 3 लोग आए हैं, क्या आया। हम इस तरह कहते हैं बार प्लॉट हमने बनाना है, तो हम इस तरह करते हैं कि टिप का और डे का बनाते हैं बार प्लॉट। तो यहाँ पर हम करते हैं SNS डॉट बार प्लॉट एक्स इज इक्वल टू टिप वाई इज इक्वल टू डे एंड डेटा इज इक्वल टू टिप्स एंड PLT डॉट शो। अच्छा, ये मैंने इसलिए कहा था बार ग्राफ इसको ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही हर एक बार को अलग कलर दे देता है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये हो गया कि डे जो है वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और टिप जो है वाई एक्सिस पर होना चाहिए, तो हम ये तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे वाई लिख देते हैं और यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। अब ये जो है वो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे, संडे से ये पता चल रहा है कि संडे को जो हमारे पास टिप है वो ज्यादा मिलती है, जाहिर सी बात है लोग ज्यादा आते हैं संडे को, फिर दूसरे नंबर पर सैटरडे है, फिर थर्सडे और एंड पर फ्राइडे को लोग आते हैं इस होटल में। तो हम इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या है। अभी आप लोग अगर मुझे बताओ कि मैंने इसके अंदर टाइटल ऐड करना है तो किस तरह ऐड करूँ मैं, कोई भी बता दे। टाइटल ऐड करना है मैंने, और टाइटल भी आपने बताना है कि क्या लिखना चाहिए।
PLT ये डॉट टाइटल, ये तो मैटप्लोट्लिब में नहीं हम लिखते, यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं सी बोर्ड में? यहाँ पे SNS करेंगे फिर डॉट टाइटल नहीं होगा। असल में सी बोर्ड जो है वो बनी हुई है मैटप्लोट्लिब के अंदर, तो जो उसके ये टाइटल लेबल्स वाली चीजें वो सारी PLT डॉट से हम शो करेंगे। शो जो मैंने नीचे लिखा ये भी PLT डॉट शो है, मैटप्लोट्लिब का कमांड है बेसिकली। बट सी बोर्ड के बैक एंड पे मैटप्लोट्लिब चल रही है, और सी बोर्ड एक किस्म की अपग्रेड है, उसमें से कुछ चीजें उसके पास अपनी है, इसलिए हम यहाँ पर PLT डॉट ही लिखेंगे। चलो कौन बता रहा था इसका टाइटल, बताओ टाइटल में क्या लिखूं मैं? कलरफुल खाने, कलरफुल कलरफुल खाने। कलरफुल दिन है ये बेसिकली, तो हमारे पास ये कलरफुल दिन आ गए हैं। ठीक है ओके। अब ऊपर हमने इससे पहले स्कैटर प्लॉट देखा था, स्कैटर प्लॉट किस तरह बनाते हैं SNS में, सी बोर्ड में? सी बोर्ड स्कैटर प्लॉट, एनीबॉडी एनी गेस? या नीचे खुद ही लिख देता वो, क्या लिखूं मैं? कोई लिखवाए मुझे। PLT डॉट स्कैटर से हो जाएगा या इसमें भी सी बोर्ड का यूज करना पड़ेगा? मैंने एस एन सी एस बोर्ड डॉट लिखी, सी स्कैटर, बोर्ड स्कैटर प्लॉट किससे शुरू करना चाहिए मुझे? SNS। SNS आगे डॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट लिख लिया, आगे क्या लिखना चाहिए? आगे हम लिख देते हैं स्कैटर प्लॉट जो है वो दो, ऊपर हमने क्या लिखा था? डे लिखा था, और हमने लिखा था वाई इज इक्वल टू टिप, और यहाँ पे उसको हमें डेटा भी बताना होता है कि कौन सा डेटा है। तो ये भाई हमारे पास है टिप्स का डेटा सेट है। स्कैटर प्लॉट यूजली अच्छा तब बनता है दोनों ही हमारे पास वो हो, न्यूमेरिकल टोटल बिल का बना के देखता हूँ। टोटल बिल, अच्छा यहाँ पे मैंने डे तो बिल ही नहीं किया, टिप तो इसका मतलब है कि टिप और टोटल बिल में लीनियर रिलेशन है, कि जब जब टोटल बिल बढ़ता है तो टिप भी बढ़ती है। लेकिन ये वाला सेक्शन जो यहाँ पर स्केट थोड़े सा ज्यादा हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इससे क्या होता है कि हम जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारी विजुअलाइजेशन जो है एक तो वो हो जाती है, लेकिन साथ साथ इंटरप्रिटेशन में भी इजाफा हो जाता है। हम देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर इतना हो रहा है, ये एक आउटलायर हो सकता है, ये बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है, तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट ग्राफ जो है वो बार क्या है सी बोर्ड में, वो होता है काउंट प्लॉट का। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बेसिक प्लॉट है। आपने जब भी EDA शुरू करना है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है, आपने कोई रिपोर्ट देना है, सबसे पहले आपको ये चार पांच ग्राफ जरूर बनेंगे जो अभी हम बना रहे हैं। बाकी फैंसी ग्राफ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस किस्म का। एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है काउंट प्लॉट का, जो कि मुझे जब भी मैंने अभी रिपोर्ट बनाई है सबसे पहले मैंने शायद यही ग्राफ बनाया है काउंट प्लॉट का। इससे हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि कितनी चीजें हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें कितने आदमी आते हैं और कितनी औरतें आती हैं। ठीक है, तो ये काउंट प्लॉट के थ्रू हम बता सकते हैं कितने आदमी थे। वो वाला सवाल हो गया, आदमी थे और हमारा सवाल ये कितनी औरतें भी थी, सो वो हमें पता है किसका आगे भी आनी आनी है लाइन। तो SNS डॉट काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट से मुराद है कि काउंट करेगा, और यहाँ पर हम दे देते हैं हमें क्योंकि मर्द और औरत के बारे में चाहिए तो सेक्स, और डेटा आ गया हमारे पास टिप्स का। PLT डॉट शो टाइटल जो है वो आपने हमेशा देना है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर टाइटल नहीं दिया। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मेल जो है उनकी तादाद ज्यादा है और फीमेल की तादाद कम है। 80 के करीब फीमेल्स हैं और 150 के करीब, 100
55 के करीब मेल हमारे पास है टोटल डेटा सेट के अंदर। अब इसके अंदर दो चीज और बता दूं मैं, आप इसके साथ इम्प्रेस करने के लिए अपने स्टेक होल्डर्स को ये कर सकते हो कि इसके बीच में ना ये लिख के आप बता सकते हो कि ऊपर नंबर बता दो, नीचे ग्राफ शो कर दो, यानी कि आपको ये पता हो कि कितने लोग हैं, ऊपर वो नंबर बता दो। टिप्स में से हमने सेक्स को लेना और हम ये करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी थी। लेट्स डू दिस। तो हमने ये बता दिया कि मेल जो है 157 है और फीमेल जो है वो 87 है, वो हमें ग्राफ से नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं काउंट प्लॉट के थ्रू। अक्सर होगा अगर आपको ये वाला जो लाइन है ना, जो ऊपर डब्बा बना रहा है, इसमें मसला होता है, आप ये चाहते हो कि ये लाइन खत्म हो जाए, तो उसकी भी एक कमांड होती है, लेट्स रन, उसका होता है plt dot डिस्पाइन DIS या फिर DES होता है, DES से मुझे पता है, DESPINE। मॉड्यूल हैज नॉट रिपोर्ट स्पाइन। अच्छा, वो PLT का नहीं है, वो SNS का। तो उससे क्या हो गया, ये डब्बा जो था साइड बना हुआ वो खत्म हो गया। इससे क्या हमारे पास होता है, इससे हमारे पास ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है वो खत्म हो जाती है, पर नीचे लाइन खत्म हो जाती है इससे, डिस्पाइन से। तो इस तरह हम अपने ग्राफ को मजीद रिफाइन जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि उसका क्या होना है। अच्छा, हम इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। यूजुअली आपने देखा है कि सिर्फ ब्लू और ऑरेंज आ रहा होता है, हमने दो करना है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे इसी को लिख लेते हैं, और इसमें जब हमने कलर तब्दील करना है तो इसी के अंदर पैलेट का ऑप्शन होता है, पैलेट, और मुझे कोई पैलेट का नहीं पता, लेट्स गूगल। एक नजर आया, VRRDIS, नहीं है कोई पैलेट। यूजर यहाँ पे पैलेट्स का नाम बता देते हैं कि भी आपने गलत लिखा है, ये पैलेट का नाम अकाउंट। अच्छा, VIRRDIS है, तो ये पैलेट हो गया कि एक ग्रीन की कैटेगरी में चला गया। ये मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन ही है, तो ये वही बात है, मैं हूँ, मेरे साथ मैं हूँ, तो इस तरह के कुछ है। तो पैलेट किस किस्म के कैटेगरीज के होते हैं, ये सीबोन की वेबसाइट पे जाके इसका डेटा पड़ा हुआ है, जो कलर के बहुत ज़्यादा शौकीन है कि किस किस्म का होना चाहिए। सीबोन की भी डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर ये चीजें मिल जाती हैं। सीबोन पहले तो आप लोग यहाँ पर जाके इसकी एग्जांपल्स देख सकते हो, हम यहाँ पैलेट भी सर्च करते हैं। मीन वाइल कोई सवाल है तो पूछ लो। चूजिंग कलर पैलेट्स, कलर पैलेट चॉइसेस। अब ये कोई है जिनको बहुत ज्यादा मजा आता है कलर्स में जाने का, वो यहाँ जाके देख सकता है कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पैलेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिफरेंट केबल, ये तो नहीं है सही। चूजिंग कलर पैलेट्स, ये है सारी इंफॉर्मेशन। तो आप लोग इसको गूगल कर सकते हो कि कलर पैलेट्स के, या गिटहब से पूछ सकते हो, सॉरी GPT से पूछ सकते हो कि एक डीप पैलेट का नाम है, एक नाम म्यूटेड है, एक नाम पेस्टल है, एक नाम ब्राइट है, एक नाम डार्क है, हम इसमें से कोई एक ट्राई करके देख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, डार्क को ट्राई करके देखते हैं। तो और भी बहुत सारे, अभी तो मेरे शुरू में ये नजर आ गए,
लेकिन हम अपनी मर्जी से ट्राई कर सकते हैं डार्क। तो ये मुझे डार्क कलर पैलेट में से दे दिया उसने कोई, तो इट्स रियली अप टू यू हाउ टू कस्टमाइज योर ग्राफ। ठीक है, और इसके अंदर अगर मजीद किसी और चीज में चले जाए, अच्छा हम यहाँ पर मजीद स्लाइसिंग कर सकते हैं। मुझे ये बता दो भाई कि कितने आदमी और औरतें थी, लेकिन मुझे ये भी साथ में बताओ कि उन आदमी और औरतों में से कितने सिगरेट पीते हैं और कितने नहीं पीते। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम ह्यू में चले जाते हैं। ह्यू का मतलब है कि मजीद स्लाइसिंग कर दो, और किसकी बुनियाद पे कर दो, स्मोकर की बुनियाद पे कर दो। जब मैंने ये किया है तो मुझे उसने ये बता दिया है कि स्मोकर यस ब्लू में, और स्मोकर नो जो है वो, ये मुझे नहीं पता पिंक कलर है शायद। तो ये आदमियों में और औरतों में जो स्मोकर की तादाद है दोनों में वो कम है, लेकिन अगर औरतों को देखें तो स्मोकर कम है और आदमियों को देखें तो स्मोकर ज्यादा है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर औरतों की तादाद थोड़ी है तो स्मोकर की तादाद भी थोड़ी होगी। बट यू कैन फिगर आउट द रिलेशन की जो इनके अंदर डिफरेंस है औरतों के स्मोकर होने में और नहीं होने में, और आदमी के स्मोकर होने में और नहीं होने में, वो कितना डिफरेंस है। यू कैन, आपको कोई ये भी बता सकता है, पूछ सकता है आपसे कि मुझे ये बताओ, तो आप उसको ये जिस तरह हमने कल लिखा था, कोई हमने रन किया था, तो आप ग्राफिकली हमें ये नजर आ रहा है कि शार्प डिफरेंस मेल में है, शार्प डिफरेंस फीमेल में इतना नहीं है। बट जब हमारे पास सामने डायरेक्ट नंबर्स होते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है कि हाँ इतना डिफरेंस इतना नहीं है। वो मुझे आपने, लगता है ये यहाँ पे यस और नो का उसने बताया हुआ, क्योंकि टोटल तो 157 थे ना मेल, तो है 100 से एग्जैक्ट, भी कम शो कराए हुए अगर हम देखें तो। जो नहीं करते वो तकरीबन 60 तक है, सॉरी जो करते हैं वो 60 तक है, और जो करते हैं वो 90 तक है। यस एग्जैक्टली। ऊपर तो हमने टोटल काउंट शो कराना है कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, तो हमने नीचे स्मोकर का और नॉन स्मोकर का कर दिया है सीन। तो यस एग्जैक्टली, ऑल राइट। अच्छा जी, इसके अलावा हमें क्या देखना चाहिए? इसके अलावा अगर हम ये देखें कि मुझे स्मोकर और नॉन स्मोकर का अलग अलग ग्राफ शो करा दो, 1 महीना शो कराओ, अलग अलग शो कराओ, इसको हम किस तरह कर सकते हैं? लेट्स ट्राई SNS., वो कैट प्लॉट के थ्रू होता है, यानी कि कैटेगोरिकल एक्स में हमारे पास है कि हमें कितने आदमी औरतों के बारे में बात करनी है। ह्यू हम कर रहे हैं कि स्मोकर था कि नहीं था, नहीं हाँ यही कर रहे हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि अच्छा कॉलम्स की हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं। ह्यू को पहले खत्म करते हैं और कॉलम पे जाते हैं। कॉलम्स मोकर डेटा हमारे पास टिप्स का है, और हमें कौन सी काइंड बनानी है, क्योंकि हमने एक काउंट प्लॉट जनरेट कराना है, तो यहाँ पर हम वो कराते हैं। अच्छा कैट प्लॉट से क्या मुराद है यहाँ पर, कि अब हम जो ग्राफ हैं उनको कंबाइन करके कैटेगोरिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल और फीमेल को, और हम नहीं कहते कि जो कॉलम सेपरेशन है वो स्मोकर की बुनियाद पे हो। एक कॉलम मुझे ये बताए कि स्मोकर है उसमें डेटा आ जाए, और एक कॉलम मुझे ये बताए कि स्मोकर है या नहीं है। और इसके अंदर हम मजीद डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं कि जो ह्यू है, जो स्लाइसिंग है, अब वो दिनों की बुनियाद पर हो जाए। डे हमारे पास थे, उसकी बुनियाद पर हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह हमारे पास स्लाइसिंग हो गई है कि थर्सडे ब्लू है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और उस हवाले से स्मोकर है या नहीं स्मोकर। तो इसमें ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी कि हम कॉलम वाइज डे को कर लें, और यू जो है वो हम उसको कर लें, फिर हमारे पास ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। 5 ग्राफ हमारे पास आ गए, उसमें ये आ गया कि थर्सडे को कितने स्मोकर आते हैं, फ्राइडे को कितने स्मोकर आते हैं, सैटरडे को कितने स्मोकर आते हैं, संडे को कितने स्मोकर आते हैं। उस हवाले से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास हिसाब किताब होता है। ठीक है,
अच्छा अब हम चले जाएं अगर इसकी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर हम गैलरी में जाकर कोई भी, अपन यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ पड़े होते हैं, आपने जो आपको ग्राफ चाहिए वो आप यहाँ से उठा सकते हो और बना सकते हो। तो मुख्तलिफ किस्म के ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, ये डेंसिटी प्लॉट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, ये वॉल्यूम प्लॉट है, इसको उठाते हैं हम। वॉल्यूम प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किस्म का ग्राफ है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ग्राफ है, इसी को हम उठा लेते हैं। पहले देखते हैं डेटा कौन सा बना हुआ है इसके ऊपर। टिप्स का डेटा सेट है, गुड हो गए। हमने कॉपी किया, सिंपली आपने जो भी ग्राफ बनाना है उसको वहां जाके कॉपी करोगे, अपने हिसाब से उसको तब्दील कर लोगे। अच्छा पहले तो हम ये करते हैं कि हमने ये तो ऑलरेडी इम्पोर्ट की हुई थी, इसको हम खत्म कर देते हैं। वाइट ग्रिड क्या चीज़ है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, उसको हमने कमेंट आउट कर दिया है। टिप्स का डेटा सेट हमने ऑलरेडी इम्पोर्ट किया, उसको भी खत्म कर देते हैं। ड्रॉ नेस्टेड वॉल्यूम प्लॉट हमारे पास है, SNS डॉट वॉल्यूम प्लॉट। डेटा हमने ले लिया टिप का, एक्स हमने ले लिया डे को, वाई हमने ले लिया टोटल बिल को, ह्यू यानी कि स्लाइसिंग हमने कर लिया स्मोकर की बुनियाद पर। ये लाइन में क्या है उसको फिलहाल हम भूल जाते हैं, पैलेट में क्या है उसको भी हम भूल जाते हैं। और अब हम नीचे जो SNS डिस्पाइन है उसको भी हम भूल देते हैं। वैसे हमने देखा था डिस्पाइन का क्या मतलब है कि ऊपर से और नीचे से जो डब्बा है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि लेफ्ट वाला डब्बा जो है वो आए, इसको रन करके देखता है। लेफ्ट वाला डब्बा भी खत्म हो गया है। अच्छा जी ये वॉल्यूम प्लॉट बन गया हमारे पास। स्मोकर और नॉन स्मोकर की ह्यू उन्होंने दी हुई है, स्लाइसिंग उस बुनियाद पे की हुई है। अब अगर मैं इसको साइड पे खोल के आपको दिखाऊं तो एक्सपैंड इमेज, इसको हम जूम कर सकते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है ना बड़ा वाला ग्राफ। ओके अब आपको ये नजर आ रहा है कि वॉल्यूम का क्या मतलब है। वॉल्यूम का ये मतलब है कि एक तरफ एक नॉर्मल कर्व बनी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी नॉर्मल कर्व बनी हुई है, उन दो नॉर्मल कर्व को मिलाकर ये वॉल्यूम बन गया। अब वॉल्यूम के बीच में क्या है, वॉल्यूम के बीच में बॉक्स प्लॉट बना हुआ है, ये जो डब्बा अंदर बना हुआ है ये बॉक्स प्लॉट की लाइन है। और अगर आपको बॉक्स प्लॉट का पता है कि उसका एक सिरा मिनिमम वैल्यू को शो करता है, एक सिरा मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है, बीच में डब्बा जो है वो क्वार्टाइल को शो करता है जिसमें मीडियन मोड Q1, Q3 और Q2 रिप्रेजेंट होता है, तो ये वो बनाया हुआ। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ग्राफ है। अगर आपने कहीं पे वॉल्यूम कॉम्पैक्ट किस्म का ग्राफ बनाना तो वॉल्यूम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो उधर। अच्छा बाकी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि बाकी उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था। इसमें कोई बाकी पतला और मोटा क्यों है? वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है ना, जब आप वो आपने स्क्यूनेस और किटोसिस का आपको आइडिया है ना राउसिया, स्क्यूनेस और किटोसिस का आइडिया है आपको? यूनेस का है, पढ़ा हुआ। स्क्यूनेस का ये मतलब होता है कि किस तरफ डेटा की लंबी दुम है, अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो किसी तरफ झुका हुआ है तो उसका मतलब है वो स्क्यूड है, और किटोसिस का मतलब ये है कि कितना डेटा फैला हुआ है, मोटा है, उसकी एजिस जो हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं या उसके एजिस उठे हुए हैं, तो ये इसका वो मतलब होता है। इस पर हम बात करेंगे बाद में भी, लेकिन जो मोटी मोटी बातें वो यही है कि अगर आपके पास डेटा में बहुत एक वैल्यू 100 है और एक वैल्यू 2 लाख है, तो उसकी जो दुम होगी डेटा की वो इस तरह बहुत, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। लेकिन अगर डेटा की वैल्यू एक 20 है और अगली 30 है लेट्स से, तो डेटा उठा होता है वो इतना ज़्यादा, उसकी लंबी वैल्यू नहीं होती, लंबी दुम नहीं होती। आई होप कि आपको आइडिया हो गया थोड़ा सा, इस तरह की चीज़ होती है किटोसिस में। और स्क्यूनेस से ये होता है कि आपका डेटा किसी तरफ झुका हुआ है, बाइस डेटा है, नॉर्मल डेटा नहीं है। थोड़ा समझ आया राजिया? ओके अच्छा जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था स्प्लिट, हमें स्प्लिट करना डेटा को, यानी कि इसके अंदर जो हमने लाइन बनानी है मीडियन की मोड की वो हम बनाना चाहते हैं, इनर जो है वो क्वार्टाइल्स हम शो कराना चाहते हैं, और जो हमने लाइन शो करानी है वो उसकी विड्थ क्या है, और पैलेट मैंने अभी आपको बता दिया है, पैलेट उसने कोई कलर कॉम्बिनेशन रखा होना है, तो हम इसको अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है।
इसको मैंने रन किया तो ये मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन कुछ तरह का आ गया, और अब मेरे पास अब दरमियान में लाइनें आ रही हैं। बीच वाली लाइन जो है वो पहले मेरे पास डब्बा शो हो रहा था बॉक्स प्लॉट का, अब डब्बा शो नहीं हो रहा, मेरे पास लाइन शो हो रही है। जो ये वाली लाइन है जो ज्यादा खुली है वो मीडियन है, जो ये छोटी छोटी है ये क्वार्टाइल है, ये Q1 है, एक Q3 है, जो हम ये वाली चीजें बता रहे हैं। तो इस तरह आप कोई भी डेटा को उठाकर अपना बना सकते हो प्लॉट। अब आपका काम ये है, एक तो ये कि आपने एक्सप्लोर करनी है ये दोनों वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, मैटप्लॉटलिब की और सीबोन की, और अपनी मर्जी के एटलीस्ट दो दो ग्राफ आपने मैटप्लॉटलिब का एक बना के दिखाना है और एक सीबोन का बना के दिखाना है। डेटा अपनी मर्जी का जहाँ मर्जी से ले लो, डाउनलोड करना है, सीबोन से उठाना है, खुद बनाना है, इट्स रियली अप टू यू। लेकिन उस ग्राफ में हो क्या रहा है वो आपने नीचे मार्कडाउन में लिखना है कि मैंने ये ग्राफ बनाया था, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। ठीक है, जिस तरह अभी जो हमने ग्राफ बनाया था हमें ये देखा था कि टिप बढ़ी है, टोटल डेटा जो है टोटल बिल की वजह से टिप भी बढ़ती है, उसके अंदर लीनियर रिलेशन है यानी कि हाई कोरिलेशन है। इस तरह की चीजें हमने, जो आपको समझ में आता है, जरूरी नहीं है कि आपने हर बात ठीक लिखी हो, जो आपको समझ में आता है वो आपने लिखना है। एटलीस्ट दो ग्राफ मैटप्लॉटलिब के और एटलीस्ट दो ग्राफ सी बॉन्ड के। उन्हें ऐ नहीं करना कि लाइन ग्राफ ही बना दो दोनों के या स्कैटर प्लॉट ही बना दो दोनों के, जो हमने डिस्कस किए हैं वो नहीं बनाने, कोई और बनाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब मैंने आपको थोड़ा टाइम पूरा हो गया, लेकिन चूंगे के तौर पे कुछ चीजें बतानी है। चूंगे के तौर पे यह है कि एक्सटेंशंस कौन सी आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये ब्लैक बॉक्स AI है, उससे आप कोड आसानी से जल्दी फिल कर सकते हो, आपने बस लाइन लिखनी है और वो नीचे खुद ब खुद कोड आ जाएगा। किस तरह यूज करना है ये आप इसको जब खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बेटर कमेंट्स के नाम से है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो कमेंटिंग है उसकी लाइनें ठीक होती है, कोड स्पेल चेकर अक्सर होता है, हम कोड लिख लेते हैं और उसमें स्पेलिंग हमारे, आपने मुझे देखा ही होगा अक्सर मेरे स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मेरे उस लाइन उसकी वजह से नीचे एक अंडरलाइन आ जाता। तो ये जो है, अगर अगर आपने किसी के साथ कोड शेयर करना है तो इट्स बेटर कि आपके स्पेलिंग ठीक हो, तो कोड स्पेल चेकर ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि क्या करना है। कोड स्नैप है, यह आपका ट्विटर पे अगर आपने अपना कोई कोड उठाकर तस्वीर खींचनी है उसकी, उसकी अपलोड करनी है, तो कोड स्नैप से आप कर सकते हो। और गिटहब कोपायलट, अगर आपके पास स्टूडेंट डेवलपर पैक है तो आप कर सकते हो, जो मेरे खुद ब खुद नीचे कोड लिख रहा होता है जब मैंने कोई लाइन लिखी होती है। उसके अलावा गिटहब कोपायलट लैब्स, आपको कोई कोड समझ नहीं आ रहा तो गिटहब कोपायलट आपको एक्सप्लेन कर देगा कि हर एक लाइन में हो क्या रहा है। इसके अलावा मार्कडाउन की एक आपको करनी चाहिए, मार्कडाउन ऑल इन वन एक इम्पोर्टेंट है, मार्कडाउन PDF ये करनी जरूरी है। बाकी रेनबो सीमेंट आपको पहले भी बता दिया था, अभी के लिए इतना काफी है। ये वाली लाइब्रेरीज करनी है। आज के में कोई सवाल है तो वो पूछ लो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी। क्लियर है आज का सारा काम? राजी और दानिया, ठीक है, लैंडा फंक्शन और बाकी दूसरा जो था टास्क वो सबने कर लिया था? सब सबको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया? वो तो हमने रेवेन्यू के लिए दूसरा तरीका